हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, यहां पे जो है महिंद्रा रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मल्टीपल पोस्ट। दोस्तों यहां पे जो है महिंद्रा कंपनी से बहुत ही बम्पर जो है भर्ती निकल के आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों महिंद्रा कंपनी में मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर जो है निकल के आ चुकी हैं। दोस्तों आप लोगों को कैसे जॉब मिल सकती है दोस्तों, तो सिंपली दोस्तों वीडियो को लास्ट देखिएगा, तभी जो इस जॉब के लिए जो एलिजिबल रहेंगे। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर महिंद्रा कंपनी है जो बहुत ही बम्पर भर्ती यहाँ पे जो है निकल के आ चुकी है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी दी जा रही है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना सीख के लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो है जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले हम यहाँ पर लोगो दिखाते हैं महिंद्रा कंपनी का। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो हाईएस्ट यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है महिंद्रा कंपनी के बारे में, आप यहां पे जो रीड कर लेंगे, हम रीड करेंगे दोस्तों, यहां पे कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले हम आप लोगों को जो है दिखाएंगे महिंद्रा रिक्रूटमेंट 2023 डिटेल्ड रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी का नाम यहां पे दोस्तों देख सकते हैं महिंद्रा है, और अप्लाई मोड नो फीस रिक्रूट एब्सोल्युटली फ्री। दोस्तों ये जो जॉब है यहाँ पे कोई भी फीस आपको लगने वाली नहीं है, 100% ये फ्री है, कोई भी पैसा यहाँ पर आपको लगने वाला नहीं है। नेम ऑफ पोस्ट एंड लोकेशन असिस्टेंट प्रोडक्ट कोस्ट मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पोस्ट का नाम यहाँ पे दिए गए, तो आप देख सकते हैं इसको रीड भी कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कैन अप्लाई, कौन से बंदे यहाँ पे इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, किसी भी स्टेट से किसी भी सिटी से आप इस जॉब के लिए जो अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे दिया गया है ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन अप्लाई इन महिंद्रा जॉब वैकेंसी, कैंडिडेट फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया कैन अप्लाई। दोस्तों सबके लिए जॉब मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे जो है महिंद्रा कंपनी ने यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है। तो महिंद्रा रिक्रूटमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन एज लिमिट, तो यहाँ पे कुछ एज लिमिट के बारे में दिया गया, तो आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो रखी गई यहाँ पे जो है 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है नॉट मेंशन, कोई भी मेंशन नहीं है। 18 साल के आप हो गए हैं तब तो जॉब के लिए जो अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे एज रिजेक्शन में अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल के बारे में यहाँ पर कुछ दिया गया, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर है, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है 3 साल है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जो एज रिलेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी है जो है, तो दोस्तों यहाँ पे एज रिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूल दिया गया है। तो यहाँ पे महिंद्रा रिक्रूटमेंट 2023 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, टू अप्लाई इन जॉब रिक्रूटमेंट ऑफ महिंद्रा कैंडिडेट मस्ट हैव कम्प्लीटेड 12वीं पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड इक्वेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो वैकेंसी निकाली गई हैं क्या क्या एजुकेशन की मांग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12वीं पास, डिप्लोमा वाले और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बंदे इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये जो है, यहाँ दोस्तों अगर आप 12वीं पास कर ली आपने तो इस जॉब के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। महिंद्रा जॉब वैकेंसी 2023 सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शुड गो थ्रू एग्जाम इंटरव्यू टू बी द सिलेक्टेड महिंद्रा कंपनी जॉब। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी इंटरव्यू के जरिए यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पे दी गई महिंद्रा रिक्रूटमेंट 2023 पे इसके लिए सैलरी क्या रहेगी, इसकी तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अप्लीकेशन हुई विल बी सिलेक्टेड इन महिंद्रा सक्सेसफुली अगेंस्ट दिस रिक्रूटमेंट दे विल अटेंड इम्प्रेसिव एंड सेटिस्फाइंग सैलरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट एंड कंपनी रूल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी आपकी पोस्ट पे, आप किस पोस्ट पे आपको जॉब मिलती है कंपनी रूल के हिसाब से। जी हाँ, तो जो कि सैलरी यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से मिल रही है बहुत ही अच्छी खासी दी जा रही है, तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लीकेशन फ़ी फॉर महिंद्रा कंपनी जॉब्स 100% फ्री, नो चार्ज, कोई भी यहाँ पे जो है आपसे फीस लगने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जो 100% फ्री है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। जनरल ओबीसी इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द अप्लीकेशन फ़ी महिंद्रा 0 फीस, कोई भी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी किसी के लिए यहाँ पे जो है कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी। ऑल अदर इंटरेस्टेड कैंडिडेट PH ST SC अप्लीकेशन फ़ी महिंद्रा कंपनी जॉब 0 फ्री, कोई भी फीस यहाँ पे जो है नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कैसे आपको अप्लाई करना है, तो हाउ टू अप्लाई, कैसे जॉब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे नीचे चले जाएंगे दोस्तों, अप्लाई लिंक का जो ऑप्शन आएगा तो इस पर हम क्लिक करेंगे रेड वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ देर आपको वेट करना है, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ गया है। दोस्तों यहाँ आपको कैसे अप्लाई करना होगा,
अब गाइस यहाँ पे आपको कैसे ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पे आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, तभी आप जो है जो ऑनलाइन कर पाएंगे जॉब के लिए। तो यहाँ पे आपको सेल्स पे सर्च बाय कैटेगरी यहाँ पे जो है मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे जो है आपके सामने शो हो रही हैं, अब किस जॉब में जो है एलिजिबल रहेंगे यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे कि सेल्स जॉब के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन, यहाँ पे मैनेजर सेल्स के बारे में दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैनेजर सेल्स पे क्लिक कर देना है क्योंकि ये जॉब है, इस पे हम इसी के लिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन करने वाले। तो यहाँ आपको दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन के बारे में क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया, आप रीड करके देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन और आप इसकी क्वालिफिकेशन से आपकी क्वालिफिकेशन क्या मैच कर रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। और देखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है नीचे, देख सकते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना है। तो यहाँ आपको आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगा है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो डेमो के लिए बनाया है, दोस्तों यहाँ पे आपको पूछ रहा है दोस्तों ऑलरेडी और अकाउंट, तो दोस्तों यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे जो है डाल देना है, डालते ही आपको शो पे साइन पे क्लिक करना है। साइन पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म दोस्तों फॉर्म है ओपन हो जाएगा, तो वहाँ आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको भर देना है, आपकी फ़ोटोज़ भी आपको अटैच कर देनी है। जैसे आप अटैच करेंगे आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है नॉट ए रजिस्टर्ड यूजर एट क्रिएट एन अकाउंट, दोस्तों मैं जो है क्रिएट अकाउंट अगर करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कर पाएंगे दोस्तों, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको साइन करें दोस्तों। साइन करने के बाद अपना फॉर्म फिल करें और दोस्तों आप बस दोस्तों इतना ही आपको करना है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों ये वीडियो आपको अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।